बेरियम क्लोराइड डालो, धीरे धीरे डालो और देखो क्या होता है यहाँ पे, स्लोली क्या बन गया, वाइट पीपीटी। आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट पता है क्या है, प्रेसिपिटेट क्या है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर। देखो ये इक्वेशन पता है कि नहीं, Na2SO4 नाम क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड। दोनों का अगर हम लोग मिक्स करेंगे एक्वास सॉल्यूशन मींस वाटर, हाँ पानी के साथ पहले इसको मिक्स करेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को, बेरियम सल्फेट BaSO4। ये जो बेरियम सल्फेट है दिस इज वाइट पीपीटी मिलेगा, NaCl वाइट पीपीटी प्लस NaCl, NaCl मींस सॉल्ट, ठीक है, ये सब अभी मिलेगा। तो मेरे पास देखो एक्सपेरिमेंट के लिए चश्मा भी पहन के रखा है जो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेरे पास दो बोतल है इसमें क्या क्या है पढ़ के सुनाओ, इधर आ जाओ, क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड, इधर आ जाओ, तुम लोग ही डालोगे आ जाओ, सोडियम सल्फेट, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। अभी वन बाय वन हम लोग मिक्स करेंगे, पहले चश्मा को उतार लेते हैं, इसका जरूरत नहीं है, है? दो स्टूडेंट आ जाओ इधर, जल्दी जल्दी जल्दी, दो जल्दी। एक में हम लोग थोड़ा लेंगे आयो इधर आ जाओ, क्या था ये, इसमें लिया सोडियम सल्फेट, पकड़ो इसको, तुम इस साइड में आ जाओ, इसमें लेंगे हम लोग बेरियम क्लोराइड, इधर आ जाओ और इधर आ जाओ और साइड में, बस बेरियम क्लोराइड और थोड़ा लेंगे, इसे आ जाओ थोड़ा, बस पकड़ो, एक साइड में क्या है, सोडियम सल्फेट और एक बेरियम क्लोराइड। अभी इसमें हम लोग एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब पानी से इसको थोड़ा मिक्स करो, ऐसे मिक्स करते हैं, इसको इस साइड में पकड़ेंगे और इसको ऐसे करेंगे, मिक्स हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे मिक्स करो इसको, तो यहाँ पे भी हाथ में नहीं जाएगा, यहाँ पे लेंगे, उसके बाद सेम इसको पकड़ के धीरे धीरे शेक करो, क्या होगा, ये मिक्स होगा, ठीक है, मिक्स होगा, मिक्स हो गया। अभी हम लोग के पास दोनों ये है, एक है सोडियम सल्फेट, है क्या, ठीक से नहीं हुआ करो, क्यों नहीं होगा, अरे तो हो गया दोनों हो गया। अभी अगर हम लोग एक के साथ एक मिक्स करेंगे होगा क्या, वाइट पीपीटी फॉर्म। इसके लिए मुझे और दो टेस्ट ट्यूब लेना चाहिए था, एक मिनट पकड़ो, तो टेस्ट ट्यूब लेके आता हूँ, ठीक है, अच्छा देखो, अभी लिसन, एक में हम लोग क्या मिक्स करेंगे, थोड़ा हम लोग लेंगे सोडियम सल्फेट, इस तरीके से सोडियम सल्फेट ले लिया, ठीक है, इसमें हम लोग डालेंगे क्या, बेरियम क्लोराइड डालो, धीरे धीरे डालो और देखो क्या होता है यहाँ पे, स्लोली क्या बन गया, वाइट पीपीटी फॉर्म वाइट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, वाइट पीपीटी,
ये है बेरियम सल्फेट जो कि है इनसोल्यूबल। अभी हम लोग इसको अगर रखेंगे 2-3 मिनट के लिए, देखोगे कि पूरा ये जो व्हाइट पीपीटी है ऊपर उठ जाएगा और नीचे क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। समझ में आया? किसी को करना है यहाँ पे आके कर सकते हो। इसको यहाँ पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए, आ जाओ करने के लिए कोई दो। सो स्टूडेंट्स, ये है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म जो यहाँ पे 15-20 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो बेरियम सल्फेट है प्रेसिपिटेट पूरा का पूरा नीचे दब गया है, यानी कि नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो गया। और यहाँ पे वाटर जो है, मैंने वाटर इसके ऊपर दे दिया था टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये है वाटर का सोल्यूशन विच इज इनसोल्यूबल, देख सकते हैं, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, कंप्लीटली इनसोल्यूबल है। सो दिस इज बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट लुक्स लाइक। और ये 10-15 मिनट के बाद मैं ये पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग दिस चैनल। इसको छोड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। पको इस साइड में आओ, करो ये एक सोडियम सल्फेट लो यहाँ से, सोडियम सल्फेट तो इसमें डालो, एक यहाँ पे डालो, धीरे धीरे बस इसको रखो। अभी क्या करना है, इस साइड में आ जाओ, थोड़ा कैमरा के सामने आना पड़ेगा, धीरे धीरे बस बस। क्या बन गया? वाइट पीपीटी। ये क्या है? बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स इनसोल्यूबल। देखो दोनों व्हाइट प्रेसिपिटेट है, सेम इनसोल्यूबल, ठीक है, इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर हम लोग इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये इनसोल्यूबल रहेगा। क्लियर है? आ रहा है एक्सपेरिमेंट कैसे होता है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्वास करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। इसको एक्वास फॉर्म में करना पड़ता है। अभी बताओ थोड़ा इसको एक्वास फॉर्म में क्यों करना पड़ता है, ताकि ये जो पार्ट है ये अलग अलग हो जाए, Na प्लस और यहाँ पे SO4-2 सिमिलर में यहाँ पे अलग अलग हो जाए, तभी तो ये एक्सचेंज होगा ना आयोन्स। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Ba+2 और Cl-, ठीक है। तो NaCl इधर चला जाएगा और मिडल में रह जाएगा BaSO4 जो व्हाइट पीपीटी बन गया। सिंपल, समझ में आया?